हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करिएगा कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक होता है बॉस, एक होता है बॉस। बॉस मैनेजर के पास अपना मैसेज भेजेगा कि ये काम करवाना है। मैनेजर क्या जाएगा, वर्कर के पास जाएगा और बोलेगा कि ये काम है कर दो। दिस इज लाइक अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली एनालॉजी जो होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वो सेम होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ पे जो बॉस होता है वो होता है डीएनए। क्या होता है, वो होता है डीएनए। डीएनए अपने मैनेजर, किस कौन सा मैनेजर होता है, इसके होते हैं मैनेजर आरएनए। आरएनए के पास जाएगा, आरएनए अपने वर्कर के पास जाएगा जिसको बोलते हैं प्रोटी। दिस इज द सेंट्रल डोगमा, बेसिक सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं तो बेसिक सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वेरी गुड इवनिंग मधु, वेलकम टू द सेशन। तो ये एक सेंट्रल डोगमा, एनालॉजी समझ सकते हैं आप डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। सो इसमें कई और प्रोसेसेस होते हैं। अगर मैं उस प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता हूं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वेरी गुड इवनिंग रितु, वेलकम टू द क्लास। एक जनरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात करें, सो व्हाट इज होल सेंट्रल डोगमा, वो सेंट्रल डोगमा है क्या, ठीक है। सेंट्रल डोगमा के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है वो देखने की कोशिश करिएगा। सेंट्रल डोगमा मॉडल, सेंट्रल डोगमा, बेसिक सेंट्रल डोगमा आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा आपसे थोड़ा सा डिटेल पार्ट। सेंट्रल डोगमा डिस्कस करूंगा, डिटेल पार्ट का मतलब क्या है कि डीएनए, डीएनए है आपका, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन अभी हम देखेंगे, वन बाय वन इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड इवनिंग अपूर्वा, शालिनी एंड महेश, स्मिता, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग। सो डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन है। अब रिप्लिकेशन, डीएनए में कुछ चेंजेस होते हैं, डीएनए में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो लार्ज हो सकता है या तो वो स्मॉल हो सकता है। इट कैन बी लार्ज और स्मॉल। जब लार्ज होता है तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। और अगर स्मॉल होता है तो उसको किसकी वजह से होता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। इसकी वजह से आपको क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट द चेंज डीएनए। अब चेंज डीएनए कभी कभी बेनिफिशियल होता है, लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल भी होता है। तो उसके लिए इसको जाना होता है कहां से, अब इसको जाना पड़ेगा रिपेयर सिस्टम से। कहां से जाना पड़ेगा, रिपेयर सिस्टम से होके जाना पड़ेगा। इट हैज टू मूव द रिपेयर सिस्टम, इसको रिपेयर सिस्टम से मूव करके जाना पड़ेगा। वेरी गुड इवनिंग भावना, विवेक, गुड इवनिंग स्टेला, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो रिपेयर सिस्टम, जैसे रिपेयर्ड होगा यहां पे क्या आ जाएगा, रिपेयर डीएनए। जब रिपेयर्ड डीएनए आ गया, रिपेयर डीएनए, एंड वो डीएनए अब मूव करेगा कहां पे, आरएनए बनाएगा। आरएनए जो बनाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, वो आरएनए एमआरएनए भी हो सकता है, वो आपका टीआरएनए भी हो सकता है, वो आपका राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है, या अदर आरएनए भी हो सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये आरएनए जो होता है वो आरएनए कन्वर्ट होता है, ये पहले तो प्री आरएनए बनता है, इस प्री आरएनए से मैच्योर आरएनए बनता है इन द यूकैरियोट, मैच्योर आरएनए। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेसिंग, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेसिंग। और इसके बाद मैच्योर आरएनए जो होता है वो कन्वर्ट होता है पर्टिकुलर प्रोटीन में। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के बाद कुछ जो फंक्शनल प्रोटीन है, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, अब ये एक फंक्शनल पोर्शन में जाएगा, दैट इज व्हाट द फंक्शनल सेक्शन, दैट इज द फंक्शनल प्रोटीन।
जो फंक्शनल प्रोटीन के सेक्शन में जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इज इट क्लियर? दिस इज द सेंट्रल डोगमा, बेसिक सेंट्रल डोगमा है। एक आप बेसिक पढ़ते हो, ये पूरा डिटेल्ड सेंट्रल डोगमा है जो कि एग्जैक्टली यूज होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। गेट बायोटेक्नोलॉजी और एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट बायोटेक्नोलॉजी और एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इसमें से पार्ट जो होते हैं वो डिटेल पार्ट में नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग मेरी बातें सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? फाइन, चलिए रिप्लिकेशन के बारे में बात करता हूं। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या होता है जी? अगर मैं बात करता हूँ रिप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्लिकेशन। अगर रिप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो रिप्लिकेशन का मतलब होता है रिप्लिका कॉपी बनना। क्या होता है? रिप्लिका कॉपी बनना। रिप्लिका कॉपी बनना होता है रिप्लिकेशन का पार्ट, कि एक डीएनए से एक जो डीएनए है, डीएनए से दूसरा डीएनए बनना, वो होता है रिप्लिका कॉपी। अब डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है, इट इज अ टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। ये होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस, इट इज अ टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आता है, सेंस एंटी सेंस, वो सारे कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे वही डिस्कस कर दे रहा हूँ। एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। क्या स्लाइड की प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है? सुचंद, आपको ऑलमोस्ट हर क्लास में प्रॉब्लम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क कनेक्शन। प्लीज रिफ्रेश सुचंद, या उसको वापस आइए, ठीक हो जाएगा। स्लाइड आपको दिख रही है, मैं वहां पर लिख रहा हूँ, रिफ्रेश और रीलॉग इन, ठीक है। अब जो डीएनए होता है, देखिएगा डीएनए की बात करते हैं। डीएनए के बारे में जिस कॉपी, जो कॉपी होता है ना, जो कॉपी होता है, जो एज अ टेम्पलेट यूज करेगा, इस टेम्पलेट को यूज करके आरएनए बन रहा हो, इस टेम्पलेट को यूज करके आरएनए बन रहा हो या जो भी हो रहा, तो ये एक टेम्पलेट का यूज करता है, दिस इज अ टेम्पलेट। और टेम्पलेट, अगर जो टेम्पलेट होता है वो हमेशा याद रख रहेगा एंटीसेंस होता है। टेम्पलेट हमेशा एंटी सेंस होता है। इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए टी जी सी, देखिए जब इसका टेम्पलेट की तरह यूज होगा तो ये सी की जगह जी आएगा, जी की जगह सी आएगा, टी की जगह ए आएगा, इसकी जगह टी आएगा। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टी ए सी जी। इट इज वॉट? अगर ये आरएनए बन रहा है तो यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि ये जो है ये एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है इसका, एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है इसका। सो ये होता है सेंस स्ट्रैंड, जिसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। कोई भी सिंथेसिस जो होती है, हमेशा याद रख रहिएगा, इसकी सिंथेसिस भी अगर मैं कहूं तो ये आपका 5' to 3' है, ये 3' to 5' है। सिंथेसिस जब होगी तो ये 5' to 3' बनेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनके इंड को भी देख लोगे, जो इंड अपने हिसाब से चलेगा वो इंड ही बता देगा कौन सेंस है कौन एंटी सेंस है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो सेंस एंटी सेंस या बाकी चीजों को। समझ में आया? सो ये आप रिप्लिकेशन या किसी भी पार्ट चाहे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो वहां पर भी आएगा, रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन इन सब पार्ट में। सुनाई दे रहा जी? चलिए ग्रेट। सो अब ये कहता है कुछ ऐसे पार्ट आते हैं रिप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो रिप्लिकेशन का मतलब होता है रिप्लिका कॉपी बनना। रिप्लिकेशन का बात करते हैं, रिप्लिका कॉपी बनना। तो रिप्लिकेशन बनने के लिए एक छोटी सी चीज होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। बस अगर समझ गए इस चीज को तो अपने आप चीजें चलती चले जाएंगी। रिप्लिकेशन बनने के लिए कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला आपके लिए क्या हो जाएगा? पहला कि टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट आपका कैसा होना चाहिए। टेम्पलेट मट बी द सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए टेम्पलेट के लिए। तो यानी कि इस सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड एन एंजाइम, आपको एक एंजाइम चाहिए जो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं हेलिकेज। आपको एक हेलिकेज चाहिए कट करने के लिए, जो डीएनए होता है डीएनए के इस बॉन्ड को, इन दोनों स्टैंड को बीच में से कट करके उनको अलग करने के लिए, ताकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग हो जाए, ठीक है। सो ये चाहिए आपका हेलिकेज, हेलिकेज जो होता है यहीं पे एक्ट करेगा, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको हेलिकेज चाहिए, तो डीएनए को, डीएनए इस तरीके से मान लीजिए कट किया हेलिकेज ने, अगर हेलिकेज ने ये कट किया तो ये वापस से रीवाइंड ना कर जाए। हेलिकेज का काम होता है कट करना, ये कट कर रहा होगा, अब रीवाइंड ना कर जाए। यहां पे एक और प्रोटीन चाहिए जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी।
जो कि रीवाइंडिंग ना करने दे, क्या ना करने दे, रीवाइंडिंग ना करने दे। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें स्टार्ट होने से पहले कुछ और चीजें चाहिए। अगर टेम्पलेट के बाद एंजाइम के बारे में हेलिकेज और उन सबसे बात करूं तो मेल्टिंग कहां से स्टार्ट होगी जी? मेल्टिंग स्टार्ट होगी, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मेल्टिंग कहां से स्टार्ट होगी। हेलिकेज एक्ट कहां करेगा, दैट इज द ओराई। कहां पे एक्ट करेगा, ओराई पे एक्ट करेगा, जिसको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं। ये कैसा होता है, एटी रिच होता है। कैसा होगा, एटी रिच होगा, एटी रिच होता है। क्यों? क्योंकि एटी में दो बॉन्ड होते हैं, ए और टी में दो दो बॉन्ड होते हैं, तो एनर्जी कम लगती है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। अब ओराई की बात करते हैं, ओराई को रिकॉग्नाइज करने वाला चाहिए। ठीक है, ओराई रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ओराई रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ओराई रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स चाहिए। उसके बाद ये पहला है ओराई, फिर दूसरा रिकॉग्निशन, फिर उसके बाद तीसरा आएगा हेलिकेज, फिर चौथा आएगा एसएसबी। अब इसके बाद जब एसएसबी तक बाइंड करा दिया आपने, पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर हेलिकेज से कट कराया। रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा की बात करता हूं, उसके बाद आएगा दैट इज द प्राइमर। क्या आएगा, प्राइमेज, जिसको बोलते हैं प्राइमेज। क्या काम करेगा, प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। उसके बाद आता है रिप्लिकेज, रिप्लिकेज आएगा जो कि रिप्लिकेशन करेगा, रिप्लिकेज, या इसको बोलते हैं पॉलीमरेज। रिप्लिकेज को पॉलीमरेज भी बोला जाता है, पॉलीमरेज भी बोला जाता है। अब ये उसके अलावा मैं बात करता हूं द सेवेंथ पॉइंट की, टोपो आइसोमरेज आएगा, टोपो आइसोमरेज। अब यहां पे कोई भी डीएनए है तो पहले प्राइमर का फॉर्मेशन होगा और यहां से इस तरीके से वो एक्सटेंड करता रहेगा, और ये दो तरीके के स्ट्रैंड बनेंगे, एक लीडिंग लैगिंग इस तरीके से फॉर्म होगा, वो बताने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अभी समझ जाइएगा। तो ये आपका किस तरीके से ये रिप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा है, टोपो आइसोमरेज इधर बाइंड करेगा ताकि जो सुपर क्वाइलिंग हो रही है, सुपर क्वाइलिंग को रिमूव कर सके टोपो आइसोमरेज। क्या काम कर सके, सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करेगा। क्या करेगा, सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करेगा। ये कुछ बेसिक चीजें चाहिए जो कि रिप्लिकेशन में चाहिए। रिप्लिकेशन को जरा सा समझिएगा, इसको कैसे हो रहा है रिप्लिकेशन। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाएगा तो बता दीजिएगा कि आ गया है। देखिए, पहले जो क्या था, पहले कुछ इस तरीके के फॉर्म में डीएनए था। ठीक है जी, इस तरीके के फॉर्म में डीएनए था। यहाँ पे डीएनए में सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए ये जो पोर्शन है ये है आपका ओराई, ओराई पे रिकॉग्निशन का आपके बाइंड आके करेगा, करने के बाद हेलिकेज आएगा, हेलिकेज कट करेगा कुछ इस वे में। यहां पे क्या आएगा, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आएगा ओआरसी, ओआरसी के बाद आ जाएगा हेलिकेज, हेलिकेज मान लीजिए इतना कट कर दिया, किया कट। अब कट करने से पहले जरा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, 5' टू 3', 5' टू 3', 3' टू 5' डीएनए को इस तरीके से लिखा जाता है, और हमेशा किसी चीज की सिंथेसिस हो, किसी चीज की सिंथेसिस हो तो वो हमेशा कैसी होती है, 5' टू 3' डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि 3' OH जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है रिप्लिकेशन के लिए, प्राइमर का रिक्वायरमेंट होता है। अब 3' OH कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमर प्रोवाइड करता है ये डीएनए रिप्लिकेशन में, प्राइमर प्रोवाइड करता है डीएनए रिप्लिकेशन में। अब रिप्लिकेशन जो है 5' टू 3' डायरेक्शन में हो रहा है सी, तो यहां पे मैं इसको कहता हूं ये रहा 5', ये रहा 3', ये रहा 3', ये रहा 5'। इसमें देखेंगे अगर 5' टू 3' डायरेक्शन में करना है तो हमेशा एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो सिंथेसिस होगा हमेशा किसी भी स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ से होगा, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री 5 बनेगा और 3 की तरफ एक्सटेंड होता होता चला जाएगा, और इधर भी इसी स्ट्रैंड पे होगा। क्यों? क्योंकि 5 टू 3 होना है, तो 5 एंड जो होगा हमेशा 3' एंड से ही रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा किसी भी स्ट्रैंड के। तो यहां से बनेगा एक प्राइमर जो कि ये बनेगा 5' एंड, और इधर से बनेगा 3' OH फ्री होगा, और दूसरा प्राइमर सिंथेसाइज होगा यहां पे। क्यों? क्योंकि ये वाला 5' एंड होगा और इस तरीके से डीएनए रिप्लीकेट करेगा, ये इस तरीके से डीएनए रिप्लीकेट करेगा आके, और ये इस तरीके से किया। नाउ इतने देर तक करने के बाद हेलिकेज जो होगा इनको और कट करेगा, जब इनको और कट करेगा हेलिकेज तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होंगे। ठीक है, और आगे लिखे गया
हेलिकेज और आगे लेके गया। तो इसको जरा सा समझिए अगेन कि यहां पे क्या है, यही प्राइमर एक्सटेंड होता रहेगा। इस वाले स्ट्रैंड में देखिए इसमें किसी ब्रेकेज की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड हो रहा है। ऐसे स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रैंड को? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ऐसे स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और अगर मैं इसके बात करूं आगे, तो इसमें एक यहां पे प्राइमर बना हुआ था जो अभी इस आपने देखा कि इतना सिंथेसाइज किया था। अब इसको सिंथेसाइज करने के लिए उसके पीछे जुड़ेगा, दिस इज वन। पहले ये सिंथेसाइज हुआ था, फिर ये हुआ था, और ये कॉन्टिन्यूअस तो चली जा रहा था। ऐसे फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, या इन लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं ऐसे स्ट्रैंड को, और इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्लियर है जी? ये क्वेश्चन अभी इस बार सीएसआईआर में भी आया हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन इसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि लैगिंग स्ट्रैंड पे हमेशा दूसरी डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर पीछे साइड में चलता चला जाएगा और लीडिंग स्ट्रैंड में इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। सो ये रिप्लिकेशन का पार्ट है, इसी तरीके से रिप्लिकेशन होता है। नाउ अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी को मैं कंपेयर करके बताऊंगा एज ए रिवीजन, कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में यूज होते हैं। रिप्लिकेशन क्लियर है तो मैं आगे मूव करूं आपको, वो कंपेरिजन पार्ट लेके चलता हूं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे होता है। चलिए ग्रेट, अब वहां तक चलने से पहले कुछ एक छोटा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं जो कि यूज होने वाला है। एक छोटा कॉन्सेप्ट और भी बता देता हूं जो कि यूज होने वाला है। कुछ प्रोसेसेस जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में होते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है? पहला जिसको बोलते हैं प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्राइमर रिमूवल। दूसरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर यहां पे समझ में आ जाएगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइमर रिमूवल हो या प्रूफ रीडिंग हो, इसको समझना है तो ये देखिएगा, ये डीएनए कुछ इस तरीके से एक्सटेंड है। ये रहा प्राइमर, ये रहा थ्री प्राइम इंड। अगेन मैंने आपसे बोला था कि हमेशा जो होगा वो थ्री प्राइम इंड से ही एक्सटेंशन होगा, थ्री प्राइम इंड पे जुड़ेगा प्राइमर, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, ये इस तरीके से बन रहा है। अगर इस लीडिंग स्टैंड में, इस लीडिंग स्टैंड में आपको प्राइमर रिमूव करना है, तो आप इस इंड से एक एक करके निकालते चले जाओगे प्राइमर को, तो फाइव से थ्री आपको आना पड़ेगा, इस इंड से निकालना पड़ेगा। तो फॉर द प्राइमर रिमूवल, फॉर प्राइमर रिमूवल व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्सो न्यूक्लियस, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्सो न्यूक्लियस। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप बात करते हो किसके लिए, अगर यहां पे बात करूं मैं, व्हाट इज दैट, अगर यहां पे बात करेंगे कि प्रूफ रीडिंग यानी पीछे मुड़ के चेक करना है, पीछे मुड़ के चेक करना है। अगर ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम चल रहा था तो यहाँ पे पीछे 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 चेक करेंगे, तो इसके लिए जो चाहिए प्रूफ रीडिंग के लिए, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्सो न्यूक्लियस। और कोई भी सिंथेसिस होती है, चाहे डीएनए की हो आरएनए की हो, उसके लिए चाहिए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम पॉलीमरेज, उसके चाहिए थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम पॉलीमरेज। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे मूव करता हूं, फटाफट देखने की कोशिश करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रिप्लिकेशन जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहां तक एक बेसिक क्लियर है। कॉपी ऑफ द डीएनए मोस्टली सेमी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। कहां पे होता है? ये एस फेज में होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइमर, प्राइमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तीन स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ये तीन स्टेप क्लियर द सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आई विल ब्रिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद माय 4 ईयर एक्सपीरियंस, स्मार्ट हैक्स, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।